अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हेल्थ केयर चैनल के साथ मोहम्मद फराज़ अहमद। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का मेरा टॉपिक मुख्तलिफ़ अकसाम के तेल हैं कि उनकी अहमियत और अफादियत क्या है। एक वक्त ऐसा था जब पकाने के लिए सिर्फ एक तेल होता था और घर में वही तेल इस्तेमाल होता था, जबकि मौजूदा दौर में बेशुमार पकाने के तेल मुख्तलिफ़ नामों से दस्तयाब हैं। इनके इश्तेहारात लोगों को नित नए तेल खरीदने पर उकसाते हैं। आप किसी भी जनरल स्टोर या सुपर मार्केट में चले जाएं, वहाँ आपके लिए ये इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा तेल पकाने के लिए बेहतरीन है और कौन सा तेल ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। तो अब मैं आपको जैतून के तेल का बताता हूँ। सबसे पहले जैतून के तेल के बारे में ये चीज़ है कि जैतून का तेल कुदरती तौर पर मॉइस्चराइज़र होता है। अरब ममालिक में रहने वाले लोग जैतून के तेल में खाना बनाते हैं। जैतून के तेल की मालिश से अज़ा को कुवत मिलती है, यानी जब आप इसकी मालिश करेंगे तो आपके अज़ा जो हैं वो सही हो जाएंगे और इसके जिस्म आप जब इसकी मालिश करेंगे तो आपको जिस्म का जो दर्द है आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जैतून का तेल जो है ये जी पट्ठों का दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है और पट्ठों का दर्द इससे ख़त्म हो जाता है। यानी पट्ठों के जब आप लगाएंगे, पट्ठे आपके दर्द कर रहे होंगे तो उसके बाद जब लगाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर अफाका होगा। तो मैदे में ज़ख़म की सूरत में भी ये तेल बहुत शाफ़ी है। यानी मैदे में जब आपका अल्सर हो जाता है, ज़ख़म हो जाता है, तो आप जब इसको खाएंगे, उसको एक स्पून के साथ आप इसको पियेंगे तो उससे जो है ये आपको फ़ायदा होगा मैदे को भी। तो जैतून का तेल चेहरे पर लगाने से जल्द खूबसूरत हो जाती है। यानी आप जब इसको चेहरे के ऊपर लगाएंगे तो इससे जो आपकी जल्द है ये बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएगी। ये तेल दिल के अमराज में मुबला लोग अगर इस्तेमाल करें तो इससे दिल की शरियानों को भी फ़ायदा पहुँचता है और दिल की जो बंद शरियाने होती हैं वो खुल जाती हैं। यानी दिल के मरीज़ों के लिए भी ये तेल बहुत ही मुफीद है, दिल के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ केयर हब चैनल के साथ मैं जो दूसरा तेल आज डिस्कस करूंगा वो है बादाम का तेल। ये तेल अच्छी चिकनाई का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसमें मैग्नीशियम, कॉपर और विटामिन बी भी पाए जाते हैं। ये एंटी ऑक्सीडेंट है और ये वज़न कम करने में भी मुआविन है। ये तेल चेहरे पर लगाने से छाइयों का खात्मा हो जाता है। बादाम का तेल जिल्द के डेड सेल्स को ख़त्म करता है। बालों पर अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इससे बाल लंबे और घने होते हैं। पट्ठों के खिंचाव की सूरत में इस तेल को गर्म करके मालिश की जाए तो इससे आपका जो खिंचाव है वो ठीक हो जाता है। होंठों पर लगाने से होंठ गुलाबी हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो नीम गर्म दूध में एक टी स्पून डालकर इसको आप पी सकते हैं। और इसके अलावा जो आज तीसरा जो है वो है जी मीठे कद्दू के बीज का तेल। तो मीठे कद्दू के बीज के तेल का इस्तेमाल जो दो तरह से है, यानी अंदरूनी और बैरूनी। अंदरूनी इस्तेमाल जो इसका है वो ये है कि आप जब कद्दू के तेल को इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके मैदे की तेजाबियत जो है वो ख़त्म हो जाती है और ये मैदे की इसलाह भी करता है। कद्दू के तेल के बैरूनी इस्तेमाल में यह है कि अगर आप इसकी सर में मालिश करें तो इससे आपका सर का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है, आपको नींद आती है और दिमाग को ये तकवीत देता है। हेल्थ केयर हब चैनल के साथ जो मैं आप अगला तेल जो है वो डिस्कस करूंगा वो अखरोट का तेल है। अखरोट खाने से ज़्यादातीस का ख़तरा कम हो जाता है। अखरोट के तेल में दिल की बीमारियों और कोलेस्ट्रॉल और हड्डियों के अमराज से महफूज रहने की सलाहियत मौजूद है। अखरोट का तेल बालों को मजबूत करता है, चेहरे के दाग धब्बे दूर करता है, जिनसी कुवत में इजाफा करता है और आपके पट्ठों को ये तेल मजबूत करता है। हेल्थ केयर हब चैनल के साथ जो मैं आखिरी आज तेल डिस्कस करूंगा वो सूरजमुखी के बीजों का तेल है, यानी सनफ्लावर ऑयल। ये तेल अक्सर घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तेल मसूड़ों और दांतों के अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है। इस तेल का कुदरती जायका होता है। गुर्दों से पथरी निकालने में भी ये अहम है और फेफड़ों के जख्मों को भी ये ठीक करता है। तो इसके अलावा जो मज़ीद जो तेल हैं उनकी जो अकसाम हैं वो कुछ इस तरह की हैं, उनके बारे में आपको बताता चलूं। तो उसमें अंगूर का तेल है, खोबानी का तेल, सेव फ्लावर का तेल, मूंगफली का तेल, खुम्बी का तेल और भुने हुए तिलों का तेल भी है। तो इन तमाम जितने भी तेल हैं इनमें आप सब्जियां भी पकाकर खा सकते हैं और उसके अलावा जो है आप दूसरी भी खाने की चीज़ें जो हैं वो इसमें आप पका सकते हैं। तो ग़िज़ाओं और उनकी अफादियत के बारे में मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हेल्थ केयर हब को